नमस्कार एक्शनएड प्रायोजित कोविड 19 समस्या और संभावना कार्यक्रम को आपण मान को स्वागत आज आम जो मान कथा आलोचना करने जाऊँ तर कुनी ओठ किंतु हस चमत्कार तांकर शरीर छोट छोट हो पारे किंतु स्वप्न बड़ बड़ से मानकर स्वर से बड़ नुह आज्ञा किंतु बेस स्पष्ट हाँ आज्ञा मुझे आम पिला कथा से 18 वर्षर कम शिशु जो मानू जीवन धारण करिवार अधिकार विकासर अधिकार सुरक्षित रहिवार अधिकार एवं भागीदारी अधिकार दबा आम समस्त दायित्व किंतु आम समस्ते जितेबले कोविड 19 सहित लड़ुचे केते निश्चित करिपारिबा दायित्व केमिति देइपारिबा सेमानंकु सेमानंकर अधिकार से संपर्क में आज आलोचना करिवा आलोचना करिया पय आम सहित जो विशेषज्ञ माने उपस्थित अछंती सहित परिचित करै दउथी आम सहित अछंती मैडम संध्यावती प्रधान अध्यक्षा ओडिशा राज्य शिशु अधिकार सुरक्षा आयोग आम सहित उपस्थित अछंती मैडम नेहा नायडू शिशु सुरक्षा विशारद यूनिसेफ ओडिशा आम सहित उपस्थित अछंती श्रीयुक्त बीएन दुर्गा कार्यक्रम अधिकारी एक्शन एड अनुष्ठान तो एबे आम सीधा सड़क भाव में आलोचना करने को जीवा कोविड 19 समस्या और संभावना रे आमर पिला माने तो प्रथम आम जानवाक चाहिए मैडम संध्यावती प्रधान कि आज तारीख में यह परिस्थिति रे राज्य शिशु मान स्थिति किपर अच्छी आपणकर सुरक्षा आयोग एवं राज्य सरकार से मानकर सुरक्षा को निश्चित करने कौन सब पदक्षेप नहीं एभली एक गुरुत्वपूर्ण समय रे जहाँ सारा विश्व को प्रभावित करी सारा ओडिशा एवं सारा भारत वर्ष प्रभावित करी से विशेषकर पाने प्रभावित होती ये लॉकडाउन शटडाउन यू समय रे राज्य सरकार मान्यवर मुख्यमंत्री एथप्रति बहुत कनसर्न से प्रथम रु ही लॉकडाउन आरंभ हवा जो लॉकडाउन वन आरंभ है वन जीरो से समय समस्त जो पदाधिकारी जो माने काम करागिद निर्देशनामा जारी करते जमी कौन पिलार कौन असुविधा न हुए पेरेन्ट्स मानक निर्देश दि जाने पेमती जत्न ने छड़ा समस्त जो पाने विभिन्न अनुष्ठान अच्छा एवं जो मैंने कार्य कर सर्विस प्रोवाइडर अच्छा समस्त को जत्न नापी सब पाकर शिशु महिला और शिशु विभाग मंत्री एवं तार सेक्रेटरी समस्ते पूरा लग पड़े और सब समय समस्त को आवेरनेस क्रिएट कराइला पेमती सुरक्षित रे घरे रे मोटे बाहर को जबनि ए संपर्क में राज्य सरकार दायित्व नहीं जो शिशु खाद्य पठ दि जाइला कोविड 19 लॉकडाउन पूर्व अव्यवहित पूर्व समस्त पाखे जमी कौन खाद्याभाव सृष्टि न हो से प्रति ध्यान दे सरकार एवं समस्त पाखे जो मिड डे मिल समस्त को पठ तो वर्तमान आम जानवाक चाहिबा यूनिसेफ परी आंतर्जातिक अनुष्ठान जी आम शिशु सुरक्षा विशारद अच्छा मैडम नेहा नायडू कि अभी जहाँ अभी हम देख रहे हैं टीवी में देखो न्यूज़पेपर में सोशल मीडिया में तो कोविड का इम्पैक्ट बढ़ रहा है और इसका इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा है इसको लेके ये जो न्यूज़ और ये सब आ रहा है तो बच्चों के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आप जरा बताएंगे। ये बात बहुत सही है कि बच्चों पे सबसे ज्यादा प्रभाव होता है क्योंकि वो जब देखते हैं कि उनके माता पिता अगर टेंशन में है या चिंता युक्त है वो उसका भी उनपे प्रभाव पड़ता है। वो लोग अभी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं, उन टीचर्स के साथ बात नहीं कर पा रहे हैं कि उनको क्या पसंद नहीं है या क्या कैसा उनको लग रहा है। इससे अंदर ही अंदर बच्चों को घुटन भी हो सकती है क्योंकि वो व्यक्त नहीं करते हैं। और खास करके ज्यादा इंफॉर्मेशन ज्यादा अगर आप टीवी पे बहुत ज्यादा देखो और ज्यादा भययुक्त हो सकते हैं। पेरेंट्स को ऐसा देखते हैं कि अगर पेरेंट्स भी टेंशन में है कि हमें किसी को ना हो जाए, आजू बाजू ऐसा माहौल हो, तो उसका सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों पे होता है। निश्चित भाव रे तो मैडम को कह कथा है कि पिला माने आमठू शारीरिक भाव में मानसिक भाव में निश्चित भाव में कम अच्छा तेणु ये जो भय समस्त को ग्रासुची से अधिक भय पिला माने को मानसिकता पड़ू तो ता मध्यरे
आमर नाना कटकणा होती लॉकडाउन होउछि नियम कानून बदलुछि एवं सामाजिक दूरता रक्षा करिया पई समस्तंको बार बार कहा जाउछि ए जो सामाजिक दूरता कटकणा यहा मध्य केमिति पिलामानक उपर पडुछि आमे जानिबा को चाहिबा श्रीयुक्त बीएन दुर्गांगठर प्रकृतरे सामाजिक दूरता रक्षा करिबा या होउछि गोटे बहुत बड़ा आह्वान एवं कोविड 19 रु शिशु मानकु सुरक्षित करिया पई समस्त स्कूल कॉलेज शिक्षा अनुष्ठान मानकु बंद करा जाइछि एवं शिशु माने समस्त गृह रे अछन्ति तेणु एभली परिस्थिति रे शिशु मानकु सामाजिक दूरत्वर अभ्यास करिया पई सरकारक तरफरु अनेक गुडे प्रयास जारी करा जाइछि जेमती आपण माने देखिबे गोटे समय रे आपणकर जो सबु ग्राम स्तर रे आपणकर अंगनवाड़ी वर्कर मानक द्वारा गोटे अभियान स्वरूप काम चलला जोटि शिशु मानकु महिला मानकु गाँव समस्त वयस्क व्यक्ति मानकु सब प्रकार लोक मानकु किपरि सामाजिक दूरत्व रक्षा करिवे हाथ किपरि धोइबे एवं मास्क व्यवहार किपरि करिवे एवं निजे निजे को सुरक्षित किपरि रखिबे सही व्यवस्थार प्रारंभ हेतिला तेणु शिशु मानकु अभ्यास करिवार गोटे योजना आरंभ हेतिला एवं अनेक गुडे क्षेत्र रे देखा जाइछि जे जो शिशु जत्न अनुष्ठान गुडी को अछि से शिशु जत्न अनुष्ठान गुडी करे अनेक गुडे शिशु रहउछन्ति एवं सेमान को सुरक्षित करबा दिगरे मध्य अनेक प्रयास जारी करा जाइथिला एवं सेही शिशु अनुष्ठान मान करे सेमान को सामाजिक दूरत्व रक्षा करिवार अभ्यास करा जाइथिला तांको योगाभ्यास करा जाइथिला तांको विभिन्न प्रकार जो रिक्रिएशनल एक्टिविटी सहित तांको जोडा जाइथिला तेणु एइभली भाबरे शिशु मानक भितरे गुडे नुआ अभ्यास सिखैबार गोटे प्रयास विभिन्न क्षेत्र में जारी करा जाइछि कारण एभली समस्या सहित शिशु माने आगरु केबे जड़ित ही नथिले तेणु एभली क्षेत्र में शिशु मानंकु एभली जो अभ्यास सहित जोड़ीबाटा गोटे बहुत बड़ा आह्वान निश्चित भाव में एक बहुत बड़ा आह्वान तो नेहा जी से हम पूछेंगे और जानना भी चाहेंगे सब लोगों को ये इसका लाभ भी मिलेगा कि अभी एक अच्छा अवसर भी मिला है कि लॉकडाउन के लिए हो या कोविड के लिए हो घर में सब लोग हैं घर में बच्चों हैं और बड़े लोग हैं दादाजी हैं माताजी हैं और पिता जो फादर भी जो वर्क के लिए बाहर ज़्यादातर रहते होंगे वो लोग भी हैं तो बच्चों के लिए इसका सदुपयोग कैसे करें तो आप ज़रा बताएंगे लोगों आपकी बात सही है कोविड का बहुत ही खराब असर हुआ है पर कुछ कुछ अच्छा भी हुआ है जैसे आप बता रहे हैं अगर सब लोग साथ हैं परिवार क्योंकि आजकल के जमाने में हम देख रहे हैं कि सब लोग अपने अपने में इतने व्यस्त हैं एक दूसरे के साथ उनके पास बिताने के लिए बिल्कुल समय नहीं है कोविड की वजह से एक ऐसा माहौल खड़ा हुआ जहां सब लोग घर के अंदर जब लॉकडाउन के टाइम पूरा एक महीना सब लोग घर के अंदर रहे हैं एक दूसरे के साथ रहे हैं और अभी भी ऐसा बहुत मौका मिल रहा है जहाँ पे वो लोग घर में ही रहते हैं तो आप बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं क्वालिटी टाइम दे सकते हैं उनको पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है पढ़ाई के साथ साथ जो लाइफ स्किल्स बोलते हैं कि जिंदगी जीने के लिए और भी चीज़ें चाहिए छोटी छोटी चीज़ें हैं कुकिंग में एक दूसरे के साथ मदद करना सब साथ मिल के खाना बनाए सब साथ मिल के घर का काम करें ये सब चीज़ें एक वो बढ़ाती है कि कोई भी हम लोग सब एक समान है लड़का ये काम करे लड़की यह काम करे ये सब असमानता भी दूर होती है सब लोग भाई जो काम करता है वही बहन भी करती है माता पिता के साथ हंस के दादा दादी के साथ जो आप बोल रहे हैं दादा दादी उनके साथ नहीं तो स्कूल में पूरा दिन बच्चे होते हैं ट्यूशन में जाते हैं तो कहाँ टाइम मिल रहा है अभी यही मौका है कि अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ मिले हंसे खेले छोटी सी साथ में बैठ के टीवी देख लिया कुछ छोटा सा गेम खेल लिया और ये सब हम लोग ने देखा है कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जहाँ फैमिली एक साथ आके काफी अच्छा अच्छा किया है बस इतना हम लोग को देखना चाहिए कि अगर सब लोग साथ में परिवार है तो फोन पे ही ज्यादा टाइम ना बिताए फोन को साइड पे रख के साथ में खाना खाए साथ में सब काम करे घर का और हंसे खेले बातें करे हाँ एटा गोटे बहुत भल कथा कहले कि आमर पिला माने आजिकल जोटी भी घरे देखिबो घरे समस्ते रहिले समस्तक फोन अवेलेबल हला सब पिला माने फोन टी माने हाथ में धरिकी पहुंची गले तो मैडम आमको एक कथा कहले कि गोटे भल अवसर भी लॉकडाउन ने सृष्टि होती जोटी आम साथी रे समस्ते रही पिला जेजेबापा जेजे माँ बापा जी बाहर को ऑफिस काम जाऊ माँ अन्न समस्त संपर्क पाखे अच्छा तो समस्त सहित भल समय बीतवा एवं बड़ मान अभिभावक मान पा केमी उत्तम जीवन धारणर मानसिकता शिखे पारे और दैनन्दिन जो कार्य अच्छी से सामिल करने सहित हस खुशी से सामिल करवल मोबाइल नुह तो आम सहित अच्छा जी शिशु अधिकार को निश्चित करने जो आयोग अच्छी सम्माननीय अध्यक्षा
सन्ध्यावती मैडम को आम जानवा चाहिए कि मैडम आजिकल तो विद्यालय गुड़िक सब बंद रही लॉकडाउन पे पिला स्कूल जाऊना से घरे आजिकल ऑनलाइन रे पाठ पढ़ा हो अच्छा ऑनलाइन टा कौन गोटे उपयुक्त विकल्प कि आउ गोटे प्रश्न आम जानवा चाहिए कि घरे जो पिला बंद पढ़ु ऑनलाइन पाठ पढ़ुं विभिन्न कथा कर अभिभावक मैंने कौन सब व्यवस्था प्रति ध्यान देवा आवश्यक मैडम टे ऑनलाइन पाठ तो ये समय विकल्प हो आवश्यकता भी अच्छी किंतु सेटा खाली विकल्प भी नुहे आई ग्रामांचल पाने समस्ते ए लाइन अफ हो पार ना कहीं समस्त पाखे से टेक्नोलोजी पहुँची पारि ना ट्राइबल एरिया हो पहाड़िया अंचल हो विभिन्न अंचल विभिन्न समस्या रही तेनालीटा गोटे समस्या अच्छी आम आमर एवं सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जारी करशनाल कमिशन एडवाइजरी जारी करमी रिओपनिंग कौन कौन एसओपी के मिनिस्ट्री अफ एचआरडी एडवाइजरी एसओपी डेवलप रिओपन खोल ता सहित आमर अच्छी पिता माता मैंने ध्यान देवा दरकार जो ऑनलाइन क्लासेस होती नजर रखा दरकार पे विभिन्न अलग साइट को चली जाती से समय से जत्नवान हवा दरकार पे पा कौन कर क्लास कर क्लास समय जगवा दरकार पूरा वाचफुल रहा दरकार एमर कमिशन एक वीडियो जारी करा प्रति जेहेतु सेक्सुअल अब्यूज हबार बहुत पॉसिबिलिटी अच्छी ऑनलाइन सेक्स अब्यूज हबार पॉसिबिलिटी अच्छी से कमिशन गोटे वीडियो जारी कर ऑल इंडिया रेडियो रे जारी कर समस्त पाखे केमी पहुँच पार से पाम्पलेट प्रस्तुत कर पाती एंगेज कर तो यहाँ गोटे बहुत इम्पोर्टेंट जिनस कि पिला हाथ में जितेबाला आम ऑनलाइन सिस्टम दौचे आ मोबाइल दौचे से भल कथा अच्छी खराब कथा अच्छी से सुरक्षित रखा आम मान दायित्व ए प्रति आम ध्यान दबा तो ये दिन मऊसा बंचीला बेले 12 टका दे जीवन सुरक्षा बीमा करी मऊसा दुर्घटना रे चली गला परे मौसी पाइले 2 लाख टका पुनी 330 टका दे से जीवन ज्योति बीमा भी करीथिले सेतिरु पाइले आउ 2 लाख टका आउ अटल पेंशन योजना रे मऊसा पाउथिले 3000 टका पेंशन टका एबे मौसी पाइबे मौसी रो दुख गला हां गया विभाजित होइ निज परिवार को सुरक्षित करंतु नाबार पक्षरु जनहित रे जारी श्रीयुक्त बीएन दुर्गांग ठो आमे जानिबा को चाहिबा कि खेलिबा बुलिबा सांगसाथी हेबा एटा शिशुर गोटे सहजात गुण एवं एथिरे से खुश हुए भल पाए किंतु ये जो ऑनलाइन सिस्टम आम रही बंद भितर पिला माने रहुचंती आउ केवल से मोबाइल टीवी जरिया रे जहाँ पाठ पढ़े बा दक्षता वृद्धि करेंगे तो आउ कौन कौन आम सृजनात्मक दक्षता वृद्धि करिपरिबा घर भितर पिला मानकर ए कथा टिके कह प्रकृत एटा होची गोटे उपयुक्त समय जो समय रे पिता माता माने बा परिवार रे अन्य सदस्य माने शिशु मानक सृजनात्मक काम नियोजित करे मुखर के उदाहरण रखापी चाहूँगी जे एक्शन एड एवं जिला प्रशासन सुवर्णपुर एवं जिला प्रशासन कोरापुट एवं जिला प्रशासन कंधमाल मिलित आयोजन रे गोटे कार्यक्रम अनुष्ठित कोविड 19 लॉकडाउन समय रे जे शिशु मानक किपरी सृजनात्मक काम सहित जोड़ी रखा घर जो समस्त प्रकार जो वर्ज्य वस्तु अच्छी जो वस्तु गुड़िक आद व्यवहार हो ना ता छड़ा माटी हो अन्यान्य कागज हो विभिन्न प्रकार वस्तु खेलना या उदाहरण अच्छी ता शिशु मान को जोड़ी रखा दिगरे विशेष प्रभावित करितिला तेणु एभली केते गुडे उदाहरण आम पाखरे अछि जहा सहित आमे शिशु मान को जोड़ी पछितबार आम पाखरे जो संबल उपलब्ध अछि बाजार जीवा दरकार नै सेथिरे मध्ये पिला माने सृजनात्मक कार्य करि परिबे तो दर्शक बंधु आज आम आलोचना करछि पिला मानकर कथा ई स्वतंत्र कार्यक्रम कोविड 19 समस्या और संभावना रे आगु को मध्ये आहुरी भलो भलो कथा आलोचना करबा किंतु ता पूर्व नै जीवा गोटे सामयिक विरति The COVID-19 pandemic has increased the vulnerabilities of people and communities across India. Daily wagers and low-income households face both the threat of infection and hunger due to the necessary lockdown. We are working with government and local administrations to ensure no one is abandoned. ActionAid Association has supported over 3.7 million people in 228 districts across 23 states and one union territory in India.
We have also spread awareness and provided counseling on COVID to over 3 million people. ActionAid Association is providing support to stranded migrant workers who are striving to return home. We are giving relief material to vulnerable communities. These include nomadic and denotified tribes, Dalits, Muslims, persons with disability, and single women. We constantly place the needs of women and children at the core of our interventions. Help us reach out to more such people in need. Isolate, don't abandon. Donate now. বিরতি পরে আপনার স্বাগত আমি মানে আলোচনা করছি আজ পিলামানকর কথা কোভিড 19 সমস্যা ও সম্ভাবনা কার্যক্রমে তো ম্যাডাম আমি যেতবেলে দেখুলে লকডাউন যেতবেলে আরম্ভ হয়ে গলা বহুত শ্রমিক মানে বিভিন্ন উপায়ে তাঙ্ক ঘরকু ফেরি আসুলে তাঙ্ক সাথে পিলা মানে মধ্যে থিলে সে পিলা মানে ফেরি আসছন্তি সেমানে গোটে নুয়া জায়গাকু আসিথিবে তাঙ্ক স্কুল কু ছাড়ি আসছন্তি তাঙ্ক পরিবেশ ছাড়ি আসছন্তি ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆଡ୍ରେସ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଏଇ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଆମର ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ ଲେବରର୍ସ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର ତାକୁ କେମିତି ନୂଆ ଜାଗାରେ ନୂଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ସାମିଲ କରାଯିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯିଏ ଯାଇପାରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ କେମିତି ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରାଯିବ ତାଙ୍କର ରାସନ କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲ ଲେବେଲ୍ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ପାଇଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଇସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କରିଛନ୍ତି ସେସବୁ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟର ବିଶେଷ କରି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଆମର ଯେତିକି ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ 9th-10th ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚା ଯାଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ଘରେ ମା ବାପା ମାନେ ଏବଂ ଏହିସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେହେତୁ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଉ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନେଇକି ଘରେ ଘରେ ବୁଲିକି ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେଉଁ ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ ଲେବର ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ଲେବର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାକିଂ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କମିଶନ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ୱେବିନାର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସହଯୋଗୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ତ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହିବା କଥା କି ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଜାଗାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ନାଁ ଲେଖାଯାଉଛି ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଉପରୁ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହାର ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନିହାତି ସେ ବି ହମ୍ ପୁଛନା ଚାହିଁଗେ କି ବହୁତ ସାରା ବଚ୍ଚେ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ସେ ପିହିଲେ ତ ହଷ୍ଟେଲ ସେ ଉନକୋ ଘର ଭେଜ ଦିଆ ଗୟା ଯୋ ବାଲାଶ୍ରମ ମେ ଥେ ଉନ ବଚ୍ଚୋଙ୍କୋ ଭି ଘର ଭେଜ ଦିଆ ଗୟା ହେ ଜିନ ଲୋଗୋଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ହେ ଅର୍ କୋଇ ଭି ରିଲେଟିଭ ହେ ଉନକେ ପାସ ଭି ଭେଜା ଗୟା ହେ ଏସା କୋଇ ସିଷ୍ଟମ ହେ କ୍ୟା ଜ୍ୟାଦା ସେ ଜ୍ୟାଦା ହମ ଇସକୋ କୋସିସ କରେଙ୍ଗେ କି ବଚ୍ଚୋଙ୍କୋ ଉହାଁ ରହନେ ଦେଇ ଯାଏ ତ ଏସେ କୋଇ ସିଷ୍ଟମ ହେ କ୍ୟା ମ୍ୟାଡମ जो आपने बोला वो सही बात है कि अगर उनको उनको भेज दिया गया है हॉस्टल से भेज दिया गया है बालाश्रम से भेज दिया गया है जब उनको भेजा गया तो सरकार ने देखा है कि उनका राशन मिले उनको वो सबके साथ उनको भेजा गया है सारी सुविधाओं के साथ भेजा गया है तो ये भी एक अच्छा अवसर है हमारे पास कि हम देखें कि बच्चे अब फैमिली में ही रहे साथ रहे क्योंकि जितना अच्छा बच्चों का विकास परिवार के साथ अपने माता पिता या परिवारजनों के साथ होता है वो कोई भी बालाश्रम या हॉस्टल में नहीं हो सकता है और अब तो जैसे स्कूल है सब कुछ सारी सुविधा गांव तक पहुंच चुकी है पहले जैसा नहीं रहा है तो अगर गांव तक सारी सुविधा पहुंची है तो जो भी परिवार है जैसे आप बोल रहे हैं कि परिवार के पास पहुंच चुके हैं बच्चे तो क्यों ना हम कोशिश करें कि बच्चे परिवार के साथ रहे परिवार को जितनी भी सरकार की सुविधाएं सरकार के प्रोग्राम्स है और अभी कोविड 19 के चलते सरकार ने और भी नए नए स्कीम नए प्रोग्राम्स दिए हैं उन सबके साथ परिवार का लिंक किया जाए बच्चों को घर पे ही सब कुछ दे दिया जाए उनका राशन पानी ताकि बच्चे अपने परिवार के बीच में रह के ही पले बड़े और उनका अच्छे से विकास हो ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର କହିବା କଥା କି ହଷ୍ଟେଲରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହୁଥିଲେ ନିଜ ପରିବାର ନିଜ ଗାଁ ନିଜ ଦାଣ୍ଡ ନିଜ ତୋଟା ନିଜ ପୋଖରୀ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ଛାଡ଼ିକିରି
तो ये पलि आम साथ रोचाश्रम जो मैंने कौन सी कारण शिशु जत्न अनुष्ठान रोते से पलि आम चेष्टा करवा कि केमती व्यवस्था एवं सरकारी व्यवस्था सदुपयोग कर रखार सुबंदोबस्त कर तो आम ए विषय में आलोचना करवा कि आम एपर्यंत जहाँ बेस आलोचना कले से सरकार कौन कर कौन सब सुविधा मिलूँ व्यवस्था रही कथ आलोचना करुचे किंतु दुर्गा भाई आम जानवाक चाहिबा कि आम नागरिक मैंने आम समाज जो व्यवस्था रही गाँ गंडा साहि आम मैंने कौन कर शिशु मान अधिकार दवापे शिशु मान जो अधिकार अच्छी से अधिकार को सुरक्षित सुरक्षित कर रखा दिगरे सरकार नागरिक संगठन मानक भूमिका अच्छी आम मानकर मध्य नागरिक हिसाब से भूमिका अच्छी कारण वर्तमान जो लॉकडाउन एवं लॉकडाउन सिचुएशन रे जिते बड़े शिशु मैंने गाँव में अच्छा घरे अच्छा समय रे शिशु मैंने विपद संकुलित होबार गोटे स्थिति अच्छी जिते बड़े भी कौन प्रकार विपर्यय घटे शिशु मान तार विशेष प्रभाव पड़ता है तेणु आपणकर जो चाइल्ड ट्राफिकिंग चाइल्ड लेबर बाल्य विवाह हवा ये अनेक गुड़े समस्या आसे तेणु आम जो मैंने गाँव में अच्छा जन युवक हो कि गोटे महिला संगठन मुखिया हूँ कि जे सरपंच हूँ कि गोटे वार्ड मेम्बर हूँ ये समस्ते शिशु मानकर परिस्थिति प्रति से विशेष विजिलेंट जत्नवान होगा दरकार अच्छी ये कौन प्रकार परिस्थिति आसिले आमर जो सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने जो सेवा अच्छी चाइल्ड लाइन अच्छी जो विभिन्न आयोग अच्छा विभिन्न प्रकार सेवा अच्छी से साज्य नेवा जरूरी अच्छी मौसा खरा रे कुआडे जाउ छ हरिपुर बैंक रु टंका उठिबा को तुम पाखरे एटीएम कार्ड अछि त हां गां पाख एटीएम लाख घर आ घर पाख को आसते बा टंका मशीन धरि बैंक मित्र ठारु टंका उठाई परिबो सिए भारी झमेला किछ नै पिन नंबर मनि रे कि निजे मारिबो किबा टिप चिन्ह भी दै परिबो तुम पाखरे जे किसान क्रेडिट कार्ड अछि सेतिरे सार बिहन सब किनि परिबो नगद कारोबार अपेक्षा हे भारी सहज नाबार्ड पाखरु जनहित रे जारी बहुत बढ़िया कथा तो मैडम संध्यावती प्रधान को आम जानवाक चाहिबा कि जेहेतु आप बहुत दिन अभिज्ञता अच्छी कमिशन रे वो समाज सेवे कि जितेबाला विपर्यय एमती सब हुए विपत्ति काल रे बा विपत्ति सरीगला परे पिला माने कोन अधिक हिंसार शिकार होंती असुविधार पड़ंती तो निश्चित भाव जहाँ ये परिस्थिति एवं आगुरु जो आम जो परिस्थिति सब मुकाबला करती पिला माने बेसी चाइल्ड लेबर होंती चाइल्ड ट्राफिकिंग हुए सेक्सुअल अबेजर शिकार हूँ विशेषकर ट्राफिकिंग चाइल्ड मैरेज मध्यम बहुत करा जाए कहीं आम एवं लॉकडाउन समय रे जहाँ तथ्य आसी 180 टी चाइल्ड मैरेज कराई आम कमिशन जा तार जो सिस्टम अच्छी मेकानिजम अच्छी आम डिस्ट्रिक्ट लेवल एवं ग्रामांचल जो सीडीपी अच्छा डीसीपी अच्छा सीडब्ल्यूसी अच्छा सब चाइल्ड लाइन काम कर विशेषकर चाइल्ड लाइन रथ्य सब व्यवस्था जे प्रकृत रे पिला माने मध्य संकट रे सब व्यवस्था हेले हबो तो नेहा जी से हम जानना चाहेंगे कि अभी तो ये सब इम्पैक्ट आ रहा है लॉन्ग टर्म में बच्चों के ऊपर इसका क्या असर पड़ने वाला है जो अभी बात हो रही है कि चाइल्ड लेबर चाइल्ड ट्रैफिकिंग चाइल्ड मैरिज वो सब ऑलरेडी बढ़ रहा है और ये और भी बढ़ने की संभावनाएं है क्योंकि हम देख सकते हैं कि बहुत सारे परिवारों में उनका हमेशा की रोजी छूट रही है वो कहीं कहीं से अपना जो नौकरी है या कहीं जहाँ काम कर रहे थे वो छोड़ के वापस आ रहे हैं उनको हो सकता है कि ना मिले और वैसा ही काम ना मिले तो वो जो गरीबी बढ़ सकती है गरीबी जब बढ़ती है तब बच्चों पे उसका प्रभाव पड़ता है कि बच्चों को काम पे लगा दिया जाता है कोई जैसे वो विजिलेंस की बात कर रहे थे तो ऐसा भी होता है कि गांव में बहला फुसला के पेरेंट्स को बोलते हैं कि आपके बच्चों को मेरे साथ भेज दीजिए हम दिल्ली या मुंबई लेके जाएंगे वहां पे आपके बच्चे अच्छी पढ़ाई करेंगे और हर महीने आपको 4-5 हजार रुपए भेजेंगे पर ये बाल तस्करी है जब बच्चे एक बार चले जाते हैं फिर माता पिता को पता भी नहीं चलता ना ही उनका फोन नंबर मिलता है हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं और बच्चों के साथ बहुत खराब शोषण होता है उनको देह व्यापार में दे दिया जाता है बाल मजदूरी में दे दिया जाता है तो ये सब और बढ़ सकता है। अच्छा तो मैडम को आउथरे संध्यावती मैडम को जानने को चाहिए आपने कहू थी जे विभिन्न स्ट्रक्चर अच्छी जिला लेवल रे तो ये जो अवस्था आगे आमको सम्मुखीन होगा पड़ो आम प्रतिहत करने कौन सब अस्त्र अच्छी
आमर सरकारी व्यवस्था एवं जो मेकानिजम आमर राज्य स्तर रे जिला स्तर रे एवं ब्लॉक स्तर रे एवं पंचायत स्तर जो अच्छी चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटीज अच्छी से आहरी स्ट्रेंथन करवा दरकार अवेयरनेस आहरी दरकार ओरिएंटेशन दरकार पाखरे राज्य स्तर ओरिएंटेशन आवश्यकता रही कहीं से कम करेंगे ग्रास रूट लेवल जो समस्या जो एवं घटा को जाऊँगी जहाँ आशा आशा आशंकर आम समस्ते अच्छे ये सब घटना घटव पिला क्षेत्र में ताको आमंक प्रति ध्यान देवा पड़ो आहरी स्ट्रेंथन करा पड़ो जो सिस्टम अच्छी आईन र दिग प्रति ध्यान देवा पड़ो आईन व्यवस्था को कड़ाकड़ी भाव में आईन को पुलिस भूमिका रही है कड़ाकड़ी करा पड़ो तो दुर्गा भाई ठूँ आम जाना चाहिए कि सरकार तो कार्यक्रम कर बेसरकारी स्वेच्छासेवी अनुष्ठान माने से गोटे बड़ भूमिका निर्वाह करेंगे तो ये कौन चली आमको पिला सुरक्षा दौरान आग को कौन भूमिका रे समस्त जन देखु स्वेच्छासेवी संगठन माने कोविड जो समस्या समय रे एक बलिष्ठ भूमिका ग्रहण कर भारत वर्षरे तथा ओडिशारे मुझे उदाहरण दूची ओडिशारे एक्सनएड एवं यूनिसेफ 15 जिले में जिला प्रशासन सहित एवं राज्य सरकार सहित घनिष्ठ भाव काम करक्रिय शिशु मानकर सुरक्षा को सुनिश्चित करने दिगरे अनेक गुड़े पदक्षेप ग्रहण करमती से किपरी सैको सोशियाल काउनसलिंग सपोर्ट दिजिव से जो चाइल्ड प्रोटेक्शन फंक्शनरीज मानक ट्रेनिंग करा शिशु जत्न अनुष्ठान मानक जो शिशु मैंने रही से किपरी सैको सोशियाल काउनसलिंग सपोर्ट दिजिव से किपरी अन्यान्य सुविधा सुजोग सहित जोगे दिया जीव से भली पदक्षेप ग्रहण सृजनशीलात्मक काम सहित जोड़ा जाइए तेणु यह भली अनेक गुड़े पदक्षेप ग्रहण करा जाइए किंतु एथिरु गोटे अनुभव होउची जे आम समस्त को मिलित भाव में काम करने को पड़ो जो सब स्ट्रक्चर सब अच्छी शिशु सुरक्षा को सुरक्षित करने से स्ट्रक्चर गुड़ी को पुणी थे आमको फंक्शनल समस्त सम्मिलित भाव में उद्यम करने को पड़ो आम जो पिला माने अच्छा से जोड़ा पड़ो तो मैडम निहाती से हम पूछना चाहेंगे कि बच्चों का क्या खुद का रोल है बच्चों क्या कर सकते हैं इस सिस्टम में उनका क्या रोल है जरा बताएं। बहुत अच्छी बात की बच्चे जितना अच्छा काम कर सकते हैं मुझे लगता है बड़ों से भी कई ज्यादा क्योंकि बच्चों में एक एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होता है उन लोगों वो बहुत मासूम भी होते हैं वो खुद का फायदा नहीं देखते हैं ऐसे सब स्थिति में बच्चे इसमें ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं अगर अगर बच्चे देखते हैं कि कोई उनका साथी दुखी है या उनको उदास है अच्छा नहीं लग रहा तो बच्चे जाके उनको पूछ सकते हैं कि क्या है क्यों ऐसे तुम दुखी हो तो एक दूसरे को बात करने से उनके साथ उनको खिला सकते हैं साथ में खेल सकते हैं पढ़ सकते हैं तो उसकी वजह से एक दूसरे को जो पीयर सपोर्ट बोलते हैं उससे बच्चों को काफी अच्छा रहता है उसी तरह से अगर किसी का देखते हैं कि बाल विवाह की बात हो रही है गांव में किसी फैमिली में या देख रहे हैं कि किसी बच्चे को भेजा जा रहा है मजदूरी का करने के लिए या कुछ गांव से बाहर तो ये चीज जो आंगनवाड़ी दीदी है या फिर अगर कोई भैया चाइल्ड लाइन के भैया आते हैं किसी को भी बता सकते हैं कि मैंने ऐसा सुना है तो बच्चे एक पूरा अपना खुद का आर्मी बना सकते हैं। अच्छा बहुत बढ़िया पिला माने मध्य निजर बल सृष्टि करेंगे निज भितर सांगसाथी अन्य सहयोग करें सहायता करें तो शेष में चुंबक जानवा चाहिए जीत शिशु अधिकार सुरक्षा आयोग अध्यक्ष आम पाखे अच्छा तो शैशव सुरक्षा पाई आउ कौन कौन व्यवस्था प्रति ध्यान दीजिए मैडम कहकर सब प्रकार सुरक्षा तो आम समस्त दायित्व एवं कर्तव्य आम पा आए लिंकेज करेबा आ जहाँ सिस्टम अच्छी विषय अवगत करेबा आमर जो नंबरटा अच्छी टोल फ्री नंबर चाइल्ड लाइन चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 समस्त जानवा दरकार जदि कौन असुविधा है तेल यही नंबर में सांगसाथी हूँ जहाँ पाखे जहाँ भी घटू कि अत्याचार हो शोषण हो संपर्क में जन पारे पेरेन्ट्स मैंने हूँ बहुत भल कथा मैडम शेष कहले कि 1098 ये हूँ एक चाइल्ड लाइन सेवा 24 घंटा दिन और राति टोल फ्री एथिरे कौनसी पिलाटी असहायर शिकार हेले असुविधा पड़ी थे टेलीफोन नंबर कले जिते सिस्टम सब अच्छी समस्ती सहित आम पिलाटी को जोड़ी दे पारिबा आज जो आलोचनार शेष पर्यायर आम पहुंची जाइए दर्शक बंधु जो आनंद देवारे अच्छी से आनंद नेबारे नहीं तो आपण मानको अनुरोध आज जो आलोचना सब कले
ଯେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଶିଶୁଟି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛି ତାକୁ ସ୍ନେହ ଦିଅନ୍ତୁ ତା କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ଆନନ୍ଦିତ ରହନ୍ତୁ କାରଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଶୈଶବ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେ ସମାଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଶୈଶବ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ସମାଜର ଆଶା ରଖି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ଦିନ ମଉସା ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ 12 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା କରିଥିଲେ ମଉସା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମାଉସୀ ପାଇଲେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁଣି 330 ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ବୀମା ବି କରିଥିଲେ ସେଥିରୁ ପାଇଲେ ଆଉ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଉ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ମଉସା ପାଉଥିଲେ 3000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କା ଏବେ ମାଉସୀ ପାଇବେ ମାଉସୀର ଦୁଃଖ ଗଲା ହଁ ଆଜ୍ଞା ବିଭାଜିତ ହୋଇ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ ନାବାର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଜନହିତରେ ଜାରି